आज का हमारा ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्ना के लिए भी। अगर आप हॉरोस्कोप एनालिसिस कर रहे हैं, जातक कुंडली देख रहे हैं, तब भी काम आता है, और गोचर में भी ये इतना ही इक्वली एप्लीकेबल है। तो इस नियम में ये बेसिकली हम लोग अभी प्रश्न तंत्र का ही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं अपने सारे वीडियोज़ में। तो प्रश्न तंत्र में एक सूत्र दिया गया है जो नीलकंठ आचार्य जी ने दिया, और यही सेम चीज़ें आपको भुवन दीपक में भी आपको मिलेगा। तो सूत्र ये बोलता है कि यहाँ पर वो चंद्रमा को बीज का बीज मानते हैं, ठीक है। जो कोई भी अगर इवेंट आपको करना है प्रिडिक्ट, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को आप एक बीज रूप ही आप कंसिडर करते हैं अगर, तो चंद्रमा वो बीज है, ठीक है, वो सीड है उस पर्टिकुलर इवेंट का। और लग्न की अगर आप बात करते हो तो लग्न हमारा बनता है फ्लावर, ठीक है। तो मून हो गया, चंद्रमा हो गया सीड, और लग्न हमारा है फ्लावर, वो पुष्प, ठीक है। नवमांश को आचार्य जी ने बोला कि नवमांश हमारे लिए वहाँ पर एज अ फ्रूट काम करता है ना, फल। और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी में वो है भाव, ठीक है। तो भाव को उन्होंने बोला स्वाद यानी टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इवेंट हमको करना है प्रिडिक्ट, तो हमको ये चार पैरामीटर्स को हमको यूज़ करना पड़ता है साथ में, क्योंकि सीड आपका फ्लावर, उससे बना हमारा फ्रूट है ना, वो फल, और उसका अल्टीमेटली जो टेस्ट कैसा मिलने वाला है, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा उस इवेंट का, इवेंट का टेस्ट, वो आपको भाव बताने वाला है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप इसके डेप्थ को आप समझो तो कोई भी इवेंट को एनालिसिस करने के लिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है, खासकर जब हम ट्रांजिट का हम जब कोर्स कर रहे थे तब भी हमने इस पर बहुत डिटेल हमने डिस्कशन किया था, और प्रश्न क्लासेस में भी हम करते हैं, और ये प्रश्न तंत्र में भी इसको हम लोग सीखेंगे डिटेल में, इसको किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप एनालिसिस में इसको यूज़ करें, ठीक है। तो अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं इसी सूत्र को फर्दर एलोबरेट करूँगा कि एक पर्टिकुलर इवेंट जब आप एज अ प्रश्न चार्ट आप देख के आप डील करते हैं तो उसमें ये सूत्र को कैसे लगाया जाए, या अगर आप देख रहे हैं कोई जातक कुंडली ना, उसके लाइफ के इवेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर इस सूत्र को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, ये सूत्र आचार्य नीलकंठ ने इस पर बहुत इसको इम्पोर्टेंस और बहुत वेटेज दी है। तो ताजिक शास्त्र में ये जो मैंने आपको तीन चार पैरामीटर बताए, आपको आपका चंद्रमा हो गया, लग्न हो गया, भाव हो गया, और आपका नवमांश हो गया, ये इसको कलेक्टिवली यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है।